कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बक्सी के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दी है दबिश। दो वाहन में तड़के सुबह सहायक आयुक्त के सरकारी घर पर पहुंची एसीबी की टीम। घर के अंदर खंगाले जा रहे हैं तमाम दस्तावेज। सिविल लाइन थाना और कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर किया गया है तैनात। राजधानी रायपुर के डीके शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में इलाज छोड़ रील बनाने में मस्त दिखी तीन नर्स। सोशल मीडिया पर इमरजेंसी वार्ड से वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप, जिसके बाद प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए हटाए तीनों नर्स। बीजापुर मिरतूर थाना क्षेत्र में एक बार फिर लाल आतंक की नापाक करतूत आई है सामने। बीजापाल नाला के पास एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। इस दौरान नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से सीएएफ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ जवान राम आशीष यादव हुए शहीद। एसपी जितेंद्र यादव ने की है घटना की पुष्टि। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्करों के पास से 4.5 लाख का गांजा किया गया जब्त। मामले में चार तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। बलांगीर ओडिशा से गांजा खरीद कर कार से आ रहे थे चारों आरोपी। सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू की टीम ने भारती नगर मुक्ति धाम के पास गाड़ी से 45 किलो गांजा किया बरामद। कांकेर केस काल विधायक नीलकंठ टेकाम के काफिले का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से सड़क पर छोड़े गए बड़े पत्थरों से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर नीचे उतर गई गाड़ी। इस दुर्घटना में गाड़ी में बैठे दो पुलिस जवानों को आई है चोट। अंतागढ़ से रायपुर जा रहे थे विधायक। भानुप्रतापपुर में कल भी सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर हुआ था चक्का जाम। रायपुर के सफायर ग्रिप फेज 2 कॉलोनी में भाई को गोली मारने वाले कातिल कारोबारी पीयूष झा को डीडी नगर में किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने मर्डर के बाद अपनी मां को वीडियो कॉल कर दी हत्या की जानकारी। फिर कार में पिस्टल लिए घूम रहे हत्यारे को पुलिस ने कर लिया अरेस्ट। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहड़े का एक वीडियो किया शेयर, जिस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ और हिंदू संस्कृति पर चोट करने का लगाया है आरोप। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक यीशु मसीह की जय कहते हुए आ रही है नजर। तो वहीं विधायक कविता प्राण लहड़े ने विवादित वीडियो को लेकर कहा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सभी धार्मिक स्थलों पर जाती हूँ। बीजेपी की गंदी सोच है जो समाज को बांटने का करती है काम। जसपुर में कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव सुरेंद्र राम भगत पर गिरी गाज। पीएम आवास, महतारी वंदन, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण बैठक में बिना सूचना के थे अनुपस्थित। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने की है निलंबन की कार्रवाई।